ओ भाई, ये शर्म को शर्म आ रही है इसको। हाँ, इतना लेट करते हुए। हाँ, ओए ओए शर्म, शर्म आए, शर्म डेली नो चाह डेली बोल बोल रही पहले कहो पड़े पहले अर्धो कलाक के इतने तो ते कह रहे अर्धो मैं मारा कसम से अर्धो कलाक तो नहीं कह रही दन दस मिनट टाइम है अर्धो कलाक के इतने झूठो बोले जाए साले हाथ पर मुकिल गया अब 10 मिनट ही वादा लेट नहीं है साला। हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये प्री बनाया हुआ है, मैंने अभी पी रहा था, ख़त्म हो चुका है प्री। तो यार बहुत दिन हो चुके हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मारो उनको, थोको भाई, थोको भाई जल्दी। तो आज का दिन मेरे को ज़्यादा लो एनर्जी फील नहीं हो रहा, क्योंकि पता नहीं हमारी बॉडी को आदत पड़ गया है 1400-1500 कैलोरी खाने की ये टाइम तक। तो एनर्जी लेवल्स थोड़े मेंटेन पे हैं और मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं है। तो हाँ, आज का वर्कआउट बहुत सही जाना है ना, आज हमारा बैक डे और शोल्डर भी थोड़ा बहुत सही हो गया है। तो देखते हैं आज कैसा जाता है वर्कआउट। ओके, तो प्री वर्कआउट हिट होना चालू हो गया है, मेरे पैर पेट में गुदगुद होना चालू हो गया है। मतलब मैं जब भी मेरा वाला प्लेयर कर लेता हूँ ना, तो पेट में थोड़ा उथल पुथल होता है और फिर बॉडी गर्म होने चालू होती है। तो हाँ, तो तब बहुत पता चलता है, देखिए प्री वर्कआउट हिट हो। तो तुम लोग के लिए अगर नए हो तो पता चल जाएगा कि प्री वर्कआउट कैसे हिट होता है। ऐसे ही हिट होता है, और नहीं होता देखो, कुछ लोगों में ऐसा नहीं भी होता, कुछ फील भी नहीं होता। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं हो रहा था कभी कभी फील। तो चल, प्री वर्कआउट अपना काम करेगा ही, ये मेरे को ट्रेनर ने कहा, प्री वर्कआउट अपना काम करेगा ही। अगर कुछ ऐसा खुजली होना या गर्म फील होना ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो चल खाली प्री वर्कआउट लो, वो वर्कआउट में काम करेगा। देखो हमारा मोटा टाइम पे आया है। तो बैक डे के दिन, मतलब पुल डे के दिन, मेरा मेन रहेगा एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, और साथ में एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता हूँ जैसे सपोर्टेड टी बार पुल, और फिर बाइसेप की दो एक्सरसाइज जिसमें होता है पिचर कल और कोई भी एक दूसरा फ्री वेट कल लाइक हैमर कल या पर। तो देखो हमारा आज जल्दी जाओ, आज जल्दी जाना है, पापा बुलाएंगे ना आराम से। इसको हर रोज पापा बुला लेते हैं भैया इसको, इसका दुकान नहीं दिखा सकते, दुकान के शॉप फैक्ट्री है साले, फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री बोला भाई, शॉप नहीं, बहुत बड़े लोग हैं। चलो फिर बनाओ, वार्म अप करके मिलते हैं। विडन विद द वार्म अप, भाई पसीना पसीना आ रहा है यार प्री वर्कआउट की वजह से। बट ओके, लेट्स गो विद द वेल डेट पुल डाउन। कितने केजी, नो आइडिया, याद नहीं है, देखना पड़ेगा अभी नोट्स पे। लेट्स केजी वर्किंग सेट, लेट्स गो।
देखो और पा गया है भाई। वीडियो सही आया नहीं आया पता नहीं, पर मैं गंदा दिख रहा हूँ। बट लेट्स गो, बाउंड कवर के साथ कैसा लगता है वो देखते हैं। ओके तो कब से गाने बज रहे थे इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। बस लास्ट एक्सरसाइज फोर आर्म बाकी है। और अगर तुम लोग जिम में नैपकिन लेके नहीं जाते हो, स्टार्टिंग में मैं गलती कर रहा था, तो जाओ क्योंकि पसीना होता है और सबको यूज़ करना होता है जिम। तो खुद से नैपकिन लेके जाने का, जो मशीन यूज़ करते हो उस पर पहले नैपकिन रखो, फिर क्योंकि अपना पसीना हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसा लग रहा है सिंगर अपना आज भाई? बैक पूरी याद तबाही मचा रहे हैं भाई, सही है ना? इसको हाँ, लास्ट फोमा फोरम वर्कआउट ख़त्म, आज स्टेप्स कंप्लीट करने जाएंगे, मे बी 100% जाएंगे। इसको Thank you.
आज का वर्कआउट सही गया है और अब पहन लेते हैं हमारा टी शर्ट। फोरम में लास्ट में 12 10 10 मिले तो दिस वॉज गुड, अच्छा गया है वर्कआउट। तो अभी आज सोचा है स्टेप्स ज़्यादा कम्प्लीट करने को, तो बाहर जाके मिलते हैं भाई। बैक के दिन बहुत सही रहता है, ये कोई देखना नहीं चाहिए। बैक के दिन बहुत सही जाता है, मतलब एक घंटा 20 मिनट्स में वर्कआउट ख़त्म हो गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 10 बजे अभी तक। तो घर जाके 10:30 तक खाने का ट्राई करूँगा और फिर वॉक पे निकलूँगा। आज 50,000 कम्प्लीट करना है, ट्राई करेंगे पूरा 50,000 कम्प्लीट करें। हर रोज़ ट्राई करूँगा अभी 15,000 स्टेप कम्प्लीट करने का, बट कभी रह जाए तो 10,000 में भी चला लेना। ओके तो हाँ, वॉक पे निकलूँगा तो थोड़ा कैप्चर करने का ट्राई करूँगा, नहीं तो घर पे इंटर ऑर्डर कर दूँगा। तो मिलते हैं, ये प्री ऑर्डर खत्म, वो पोस्ट वर्क ख़त्म करता हूँ यार। अच्छा ओके, तो मैंने बोला था वैसे हम 10:20 को घर पहुँच गए थे और 10:30 तक मैंने खा लिया। दाल ढोकरी बनी थी आज, भूल जाते हो दाल ढोकरी कहते हिंदी में पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं। तो बस अभी मैं वॉक पर निकल रहा हूँ, आधे घंटे में 11 बजे तक वॉक ख़त्म होंगे, 15,000 स्टेप ख़त्म कर लूँगा और फिर आएंगे। आज तो टाइम पास भी है वॉक करते करते, क्योंकि आज MI का मैच चल रहा है और आई एम डाई हार्ड MI फैन, मुंबई इंडियंस गाइस। भले मैं गुजरात में रहता हूँ पर पहले से दिल से मुंबई इंडियंस हूँ का फैन हूँ, भले गुजरात की टीम आई है बट मुंबई इंडियन पहले से दिल में। तो जो जो भी मुंबई वाला है लाइक सब्सक्राइब मारो भाई मारो। तो हाँ बस वॉक ख़त्म करते मिलते और तब तक मैं मुंबई का मैच देखूँगा, चलो। ओके तो हमारे 15,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, 15,500 हो गए हैं और अभी तो घर जाने में आई थिंक 1 किलोमीटर मे बी 1 किलोमीटर के साथ बाकी होगा। तो हाँ 16,000 जैसा हो जाएगा, यहाँ कहीं ऐसे स्क्रीनशॉट बता दूँगा मैं कितने स्टेप्स कंप्लीट किए, बट आज रेगुलर से वर्कआउट का दिन था और रेगुलर से 5,000 स्टेप्स ज़्यादा किए। तो या प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड, 13 डेज टू गो गाइस। 13 दिन में ट्राई हार्ड तो अपना पूरा रहेगा कि 10% 11-12 एप्स विजिबल कर दूँ, बट नहीं हुआ तो कोई नहीं, बट ट्राई हमारा पूरा रहेगा। लेट्स गो। एक चीज़ है वो है ना कि टाइम लगता है, वो साकेत दुख लगा, टाइम देना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर 12 दिन में नहीं हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, बट हम ट्राई हमारा पूरा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कीप काम टॉकलेस डू मोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।